दहशतबंदीचं वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या पाकिस्तानला भारतीय जवानांनी धडा शिकवला. सीमेपलीकडून झालेल्या गोळीबाराला प्रत्युत्तर देत सीमा सुरक्षा दलानं 7 पाकिस्तानी सैनिकांना ठार केलंय. या कारवाईत एका अतिरेक्यालाही कंठस्नान घालण्यात यश आलंय. 29 सप्टेंबरच्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतर 15 दिवसात केलेली ही दुसरी मोठी कारवाई आहे. सर्जिकल स्ट्राईकनंतरची दुसरी मोठी कारवाई आहे. आणि याच महत्त्वाच्या बातमीसंदर्भात आपण अधिक चर्चा करूया. आमचे प्रतिनिधी राजू किरणे आपल्यासोबत आहेत. राजूजी, राजूजी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारतीय आर्मी ने एक दूसरा बड़ा कदम उठाया. अब अभी सिचुएशन क्या है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो है आज सुबह जम्मू के हीरानगर खूबिया इलाका है वहां पे जो है फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ. और रिटेलिएशन जो फायरिंग भारतीय बीएसएफ ने वहां पे की, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे बीएसएफ तैनात होती है, तो बीएसएफ की जवाबी जो कार्रवाई शाम को 5 बजे तक चलती रही, हैवी जो जो फायरिंग उसका जवाब दिया गया. और उसमें जो अभी तक सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तानी 6 से 7 रेंजर जो है पाकिस्तानी रेंजर तो उसमें मारे गए हैं. 5-6 के जख्मी होने की भी खबरें जो है ये वहां से आ रही हैं. और उसके बाद से जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है इसी बुखराहट में जो है पाकिस्तान ने राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है सीज फायर वायलेशन करके भारतीय सिविलियन ठिकाने जो थे, शहरी इलाके जो थे, उनके ऊपर गोलाबारी की. हर जगह जो है सेना और बीएसएफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे तैनात है वो जवाबी कार्रवाई कर रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है. राजू जी, आपने जानकारी दी, शुक्रिया. देखिए, नीयत अच्छी है तो कामयाबी हुई है, लेकिन ये पुराने वक्तों की बात है. और मैं ये भी पूछ रहा था कि उस टाइम पर टोपोग्राफी क्या होगी, कितनी नई बिल्डिंग चाहिए, और हम स्टडी कर रहे हैं कि उस टाइम पर क्या वजूहत होगी या किस तरीके से यहाँ पर रखा और फिर हमारी फोर्सेज का उनको भागना पड़ा, ये सब छोड़ना पड़ा पीछे. साथ हमें लिंकेजेस भी देख रहे हैं. SSP साहब ने भी ये बात का जिक्र किया था कि वी आर वर्किंग ऑन इट, कि कहीं और भी ऐसा शक की बात होती है तो वील वर्क ऑन इट. क्या अभी भी उस इलाके को कॉर्डन किया गया और सर्च? ये अभी देखिए, दिस इज नॉट अ ह्यूमन बींग, ये कॉर्डन का भी मतलब नहीं है, बट स्ट्रेटेजिकली हमने कवर कर लिया. थैंक यू. Zee 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.